गाइस फाइनली वो दिन आ गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हां गाइस, रियल क्रिकेट 24 फाइनली प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो गाइस अभी जस्ट मुझे ये खबर पता चली और मैं तुरंत इस गेम को खेलने के लिए आ गया हूँ। शायद तुम्हारे भाई का गेम प्ले सबसे पहला होगा यूट्यूब पर। अच्छा ओके, तो गाइस इस गेम का थीम पूरा ही डिफरेंट है रियल क्रिकेट 22 से। ओके तो गाइस फर्स्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये मैच तो गेम नहीं सजेस्ट कर दिया हम लोग को, वैसे भी हम लोग यही मैच खेलते। मुझे ODI वाली जर्सी ज्यादा सही लग रही है और हम लोग 5 ओवर का गेम लगाने वाले हैं। नहीं, मैं 2 ओवर का गेम नहीं लगाने वाला भाई, इसमें पता ही नहीं चलता है गेम कैसा है। और हम लोग हार्ड डिफिकल्टी पे तो नहीं, मीडियम पे खेलते। देखो मैं हार्ड भी खेलूंगा बट आगे चल के। गाइस हमारी प्ले 11 ये है भाई। इन लोग को कौन रखा? हम लोग को हमारी ओरिजिनल प्ले 11 चाहिए। ओके तो भाई ये देखो, एक सेकंड भाई, वानखेड़े स्टेडियम के कट सीन्स तो अच्छे बट ये मुझे बहुत अजीब लगा। ओके भाई सेम बंदा रियल क्रिकेट 24 में भी आ गया। तो गाइस ग्राफिक्स में अभी तो मेरे को ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। हाँ थोड़े से कलर्स में डिफरेंस है। एड्स लेता हूँ मैं। ओके कौन जीता टॉस? हम टॉस जीत गए गाइस और हमने बिना सोचे समझे ले लिए बॉलिंग। तो भाई गेम के अंदर काफी सारे चेंजेस मुझे तो लग रहे हैं। गेम का थीम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है और काफी सारी चीजें सिमिलर भी है रियल क्रिकेट 22 से, पर भाई ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। ओके नेशनल एंथम भी बिल्कुल सेम ही है। और गाइस अब जैसा कि हम लोग ने बॉलिंग लिया था तो सबसे पहले हम लोग जसप्रीत बुमराह को उतार रहे हैं और यहाँ पे हमारे दोनों अंपायर्स आ गए। भाई असली गेम के ग्राफिक्स तो अब जाके पता चलेंगे। ओ क्या कट सीन्स है भाई। भाई भले ही ग्राफिक्स में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हो बट कट सीन्स एक नंबर है। ये देख रहे हो तुम लोग, ये रहा हमारा बुमराह, ये रहा उनका मिचेल मार्श और ये रहा रियल क्रिकेट 24। तो गाइस हमारे रियल क्रिकेट 24 के फर्स्ट गेम प्ले की फर्स्ट बॉल यहाँ पे आती हुई। वो भाई पकड़ ले। ओ आ जाओ और ये अगली बॉल। भाई कहाँ मार रहे हो भाई? बुमराह से कोई बॉल बच सकती है क्या? भाई ये ओवर तो बहुत ज्यादा बोरिंग जा रहा है यार, ये लोग बिल्कुल मार ही नहीं रहे। देखो 4 बॉल बिल्कुल 0। लो अब जाके एक चौका लगा भाई, गेम का पहला चौका। मुझे तो लगा था ये मेड इन ओवर जाएगा बट कोई बात नहीं, उनको भी थोड़ा चांस मिलना चाहिए खेलने का। बात तो सही है। तो गाइस बहुत ही बेहतरीन हमारा पहला ओवर और सेकंड ओवर में देने जा रहा हूँ सिराज को। दे देते हैं भाई, सिराज एक ऐसा बंदा है जिसको लेके मैं जब भी खेलता हूँ तो मैं विकेट जरूर लेता हूँ। भाई ये गेम काफी प्रीमियम फील करा रहा है यार, ऐसा लग रहा है मैंने पैसे दे के खरीदा इस गेम को। ये सिराज की पहली बॉल। ओ मेरी फील्ड देख रहे हो, क्या फील्ड सेट की है मैंने। और ये दूसरी बॉल एकदम पैर के पास, ये यॉर्कर मार के दिखा बच्चू। ओ भाई ये हमारी बॉल को मारने गया और हमारे सिराज ने ले लिया है पहला विकेट बोल्ड। और ये क्या यहाँ पे हमारा सिराज बटिस्टा बनते हुए। और यहाँ पे रिप्ले देखो गाइस, भाई रिप्ले भी एक नंबर बना है। ओ भाई इतना सुकून, मजा तो आ रहा है यार, इतना मजा मेरे को रियल क्रिकेट 22 में नहीं आता। और ये लगा, अबे कहाँ फेंक दिया बे। अरे यार उधर तो फील्डर भी नहीं, इतनी अच्छी बॉल थी यार, ओवर थ्रो के चक्कर में मैंने चौका दे दिया। लेट्स गो एक और बॉल यहाँ पे आती हुई सीधा। ओ यार ये तो मैंने सोचा था ये भी बोल्ड जाएगी बट कोई बात नहीं। यहाँ पे रविंद्र जडेजा आते हुए थोड़े से हाथ खोलते हुए। भाई मेरे को लग रहा है मेरी फील्ड बदलनी चाहिए अभी तो। भाई अपना क्या, अपना पावर प्ले समझो खत्म हो गया तो अभी हम लोग फील्ड को फैला सकते हैं और हम लोग ने फैला दिए। असली मजा तो अब आ रहा है। पकड़ भाई, फील्डर है यार क्या कर रहा है। एक चौका तो हर ओवर में जा ही रहा है। भाई पकड़ ले भाई, ये डायरेक्ट हिट है, ये कसम से अरे यार पर क्या फायदा ऐसी डायरेक्ट हिट का जब सामने वाला रन ही नहीं भाग रहा है। भाई कितना हाथ घुमाएगा, बस कर हो गई एक्सरसाइज। और ये ओवर की आखिरी बॉल, चलो भाई पकड़। अरे यार वहाँ पे फील्डर नहीं है। गाइस चौथा ओवर हम लोग ने दिया हर्षल पटेल को। और ये दूसरी बॉल भाई, ये वाले ये तो पक्का डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट हिट यार मेरे। आज मैं जितनी भी डायरेक्ट हिट ले रहा हूँ ना किसी का भी फायदा नहीं हो रहा है। और भाई ये लास्ट बॉल। ओके ओ भाई ये डायरेक्ट हिट, भाई बस एक रन भाग ले एक रन। और ये गया 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 गया, यस फाइनली 100-200 डायरेक्ट हिट मारने के बाद फाइनली एक डायरेक्ट हिट जिसने हम लोग को रन आउट दिलवा दिया, क्या बात है। यस तो गाइस अब सबकी बॉलिंग खत्म हो चुकी है, अब हम लोग बुलाने जा रहे बॉलिंग के लिए द किंग मोहम्मद शमी। और गाइस ये तीसरी बॉल और ये क्या, अरे यार पीछे फील्डर है बट ये तो छक्का है।
तालियां क्यों मार रहा है भाई अपन इंडिया वाले भाई। 38 रन बना दिए यार इन लोग ने, मेरे को तो लगा था कुछ भी रन नहीं बनेगा। 39 रन हम लोग ने दे दिया, दो बॉल और बाकी है। और ये अरे यार ये छक्का कहाँ से जा रहा है, मैंने सारी स्ट्रेटेजी जो बनाई थी दिमाग में। अबे तू इतना धीरे धीरे क्यों छक्का बता रहा है, मालूम है सबको छक्का हो गया है, इतना स्लो बता रहा है, कब से गया तेरे को। चलो भाई ये अंपायर को छोड़ो, मैंने क्या सोचा था, मैंने 40 रन के ऊपर एक भी रन नहीं दूंगा, बट यहाँ पे 45 जा चुका है भाई, वो छक्का नहीं जाना चाहिए था। और ये लास्ट बॉल भाई इसने ये भी उड़ा दिया, बट इसको हम लोग रोक लेंगे, इस पर कोई हिट नहीं जाएगा। एक रन में देके हम लोग ने इस ओवर को समाप्त किया, साथ में इनिंग भी हुई समाप्त। और कितने 46 रन बन चुके हैं गाइज, और हमें जीत के लिए चाहिए 47 रन पांच ओवर में। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा भाई, अच्छा खासा टारगेट दे दिया यार ऑस्ट्रेलिया ने हम लोग को। तो भाई अब हमारे रोहित शर्मा, शुभमन गिल आ रहे, ये नहीं ये दोनों नहीं, हटाओ इन लोग को, ये रहे हमारे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। चलो भाई ये ले। ए, उंगली किसको दिखाता है, उंगली किसको दिखाता है, चल चल चल, रोहित शर्मा को उंगली दिखाता है भाई, लग रहा है इसको बताना पड़ेगा। हिटमैन इस बार तो हिट जानी चाहिए, लग गई एक हिट, बट भाई भाग पटप भाई, एक रन लेने में इतना स्ट्रगल भाई। अब शुभमन गिल आ गया स्ट्राइक पे, शायद ये कुछ कर सकता है। इसने ये किया आके, भाई तू जा रे, तू घर पे जा, विराट कोहली को भेज उधर से। तो गाइस अब द किंग कोहली आ चुके हैं फील्ड पे, भाई आइए आप ही की जरूरत थी यहाँ पे। और ये पहली बॉल, और हम लोग हमारे कोहली भाई ने पहले ही उड़ा दिया था, और पहले ही विकेट भी जा चुकी है यार, पहले ही बॉल पे विकेट, अब कौन हमारी नैया पार लगाएगा। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव आते हुए, और भाई ये पहली छक्का, और ये पहला छक्का, यस भाई, बस डायरेक्शन की अपने को समझ नहीं थी। और ये एक और चौका भाई, असली गेम तो अब शुरू हुआ है। ये यहाँ पे हमारे पवेलियन में बैठे हुए कुछ प्लेयर्स, और ये ओवर की आखिरी बॉल, चल भाई उड़ा दे। अरे यार हिटमैन भी गया भाई, गेम बदला है, आदमी नहीं बदला है खेलने वाला, आदमी तो सेम ही खेल रहा है। दो ओवर में हम लोग ने सिर्फ 11 बनाए, अब तक 20 बनना चाहिए था। ये ले भाई, उड़ाया तो नहीं नीचे फील्डर ने ही यार, क्या हो रहा है भाई। और ये वाइड वाइड बॉल, यार अभी तक तुम लोग समझ नहीं पाए, हमारे सामने ऐसी बॉल नहीं डालने का वरना वाइड चली जाएगी। और ये फिर से छक्का जाते हुए, अरे यार छक्का ही था ना, छक्का की चौका था, कोई बात नहीं गाइस। ये एक और छक्का, ये तो पक्का छक्का है, अरे यार ये भी, ये वाला तो पिछले वाले चौके से ज्यादा चौका है, मस्त जोक मारा। कोई बात नहीं गाइस, 20 रन तो पूरे हो चुके हैं, क्या हम लोग 30 रन पूरे कर सकते हैं इस ओवर में। ये भी उड़ा दिया है, नहीं 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 नीचे खत्म, बॉलिंग तो किया नहीं, बैटिंग कर ले ढंग से। और ये उड़ा दिया, नहीं नहीं तो किसी काम का नहीं है भाई, तू ना तो बैटिंग कर ना तो बॉलिंग कर, तू खाली ना जाके अब अंपायरिंग कर, वही एक स्पॉट बचा है तेरे लिए। रविंद्र जडेजा भाई, हम लोग ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते भाई, जब तक जडेजा है अपने साथ अपने टीम में, जब सारे प्लेयर आउट हो जाते हैं ना तब जडेजा आता है फील्ड पे और आके मैच को जिताता है। यहाँ पे ओवर की लास्ट बॉल भाई, अभी भी 20 रन ही है, और ये छक्का, यस इस छक्के की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी भाई, एकदम सही टाइम पे आया है। तो भाई यहाँ पे 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की हालत हो गई है खराब, क्योंकि जडेजा भाई ने आगे एक छक्का मार दिया है, देखो पानी पी रहे, स्ट्रेटेजी बना रहे। तो भाई अपना ग्राफ ऑस्ट्रेलिया से तो ऊपर ही चल रहा है, बट विकेट में भी उनसे ऊपर ही चल रहा है। तो भाई सूर्य कुमार यादव अब जाके आया है बेचारा स्ट्राइक पे, पहला विकेट गिरते ही आ गया था, लेकिन अब जाके आया है और गैप ढूंढा भाई, इतना गैप किसके लिए रखा है, किसके लिए इतना गैप रखोगे तो जाएगा ही ना चौका। और ये तीसरी, ये तो छक्का जा रहा है भाई, ये तो नहीं रुकने वाला भाई। गेम में इंडिया फिर से कमबैक करते हुए इसी छक्के के साथ भाई, 36 रन हो चुके हैं, अब 9 बॉल में सिर्फ 11 रन चाहिए, बस विकेट नहीं जाए। ये गया नहीं, 2 रन, भाग 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 भाग, अरे यार प्रिंट वाला ऑप्शन क्यों नहीं है इस गेम में। तो गाइस अब लास्ट कौन बचा है, शमी भाई, भाई क्या कर रहा है यार तू, उड़ा दे, उड़ा तो दिया है, कोई फील्डर नहीं वहां पे, और चौके के साथ ये ओवर खत्म। यस तो गाइस 41 रन हमारे हो चुके हैं, और लास्ट के 6 बॉल में 6 रन चाहिए। तो भाई अब तुम दोनों को ही गेम को जिताना है और संभालना है, समझे। ले भाई आराम से हो जाएगा, बट एक हिट लग जाए
ये हिप कहाँ लगी, कहाँ को लगी भाई, चौके को लगी है। यस, और इसी के साथ हम लोग ने हमारा फर्स्ट रियल क्रिकेट 24 का गेम प्ले भी जीत लिया है, साथ में ऑस्ट्रेलिया से भी बदला ले लिया है। भाई कमाल का मैच रहा, और उससे भी ज्यादा कमाल का गेम रहा। क्या गेम है यार, देख रहे हो तुम लोग ग्राफिक्स देख रहे हो। तो गाइस हमारे मैन ऑफ द मैच सूर्या भाई बने हैं, ऑब्वियसली यार उनके बिना हम मैच को नहीं जीत पाते। तो गाइस ये था हमारा रियल क्रिकेट 24 का फर्स्ट गेम प्ले, शायद मेरा ही फर्स्ट गेम प्ले होगा यूट्यूब पे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।